नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आपके सामने सेकंड चैप्टर के छोटे क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये सेकंड नंबर का वीडियो है, वो सेकंड नंबर के वीडियो का ये भाग है। तो उसमें छोटा क्वेश्चन है, पहला, मानव विकास अंकों प्रस्तुत करने में कौन से अर्थशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है? तो मानव विकास अंकों प्रस्तुत करने में महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDI के अतिरिक्त कौन से अंकों का उपयोग होता है? तो SCL, TAL और HPL। इसको आपको ज़्यादा डिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का मापदंड अधिक स्वीकृत है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में सिर्फ देश की टोटल आय को गिनी जाती है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दिया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय श्रेष्ठ मापदंड है। ऊंची प्रति व्यक्ति आय किस चीज़ का सूचन करती है? तो ऊंचा विकास दर और व्यक्ति की भौतिक सुखाकारी, यानी लोगों का सुख बढ़ रहा हो, भौतिक सुविधाएं बढ़ रही हो, तो यानी स्वाभाविक बात है कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय ऊंची है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी इत्यादि को दूर करने के लिए किस पर भार दिया गया? तो आर्थिक विकास। अगर जो आर्थिक विकास किया जाए तो गरीबी बेरोजगारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। विकसित देशों का ध्येय क्या है? तो आर्थिक वृद्धि के दर को बनाए रखना। विकास अर्थात क्या? तो आर्थिक विकास। आर्थिक विकास होने से राष्ट्रीय आय में कौन से क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता है? तो जब देश का विकास नहीं हुआ होता है, तब देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान अधिक होता है, लेकिन जब देश का विकास होता है तब कृषि का महत्व घटता है और उद्योग और सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ता है। विकास की समस्या मूलभूत कैसी समस्या है? तो विकास की समस्या है, मूलभूत समस्या है, वो है गरीबी दूर करने की समस्या है। अपना अगला क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अपने। अपना अगला क्वेश्चन है कि जिराल्ड के मतानुसार विकास अर्थात क्या? तो विकास अर्थात वृद्धि और परिवर्तन, यानी देश में जो भी चीज़ें हैं, उत्पादन है, उसका प्रमाण सतत बढ़ता रहे और परिवर्तन आता रहे, तो वो है विकास। आर्थिक विकास के निर्देशकों के द्वारा किसकी तुलना हो सकती है? तो दो समय अंतराल के बीच, दो देशों के बीच, दो राज्यों के बीच आर्थिक विकास की तुलना कर सकते हैं। थर्मोमीटर शरीर के तापमान को मापता है, तो विकास के निर्देशक किसको मापते हैं? विकास को। जैसे कि उदाहरण के तौर पे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंक में सुधार, मानव विकास अंक में सुधार, ये आर्थिक विकास के चार निर्देशक है और वो देश के विकास को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन से भाव से की जाती है? तो स्थिर भाव। अपने 11th में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना दो प्रकार से की जाती है, गणना स्थिर भाव से और चालू भाव से। चालू भाव का मतलब है वर्तमान में जो कीमतें चल रही है वो चालू भाव, और स्थिर वर्ष यानी आधार वर्ष के जिस वर्ष में वस्तुओं के भाव में ज़्यादा वृद्धि ना हुई हो, ऐसे वर्ष को। देश की राष्ट्रीय आय का आधार किस पर है? तो उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजक के साधनों पर, प्राकृतिक संसाधन यानी कुदरत के द्वारा जो प्राकृतिक संपत्ति दी है वो, और उसकी कार्यक्षमता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि को फिर भी देश का विकास न हो, ऐसा कब हो सकता है? तो अगर देश की राष्ट्रीय बढ़ रही हो लेकिन उसकी तुलना में जनसंख्या उससे भी ज़्यादा बढ़ रही हो, तो देश का विकास संभव नहीं है। अगर देश की राष्ट्रीय बढ़ रही हो लेकिन जनसंख्या ना बढ़ रही हो, तो देश का विकास संभव है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के अनुसार विकास कब करेंगे? देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में लंबे समय तक निरंतर वृद्धि हो। वास्तविक आय का मतलब क्या होता है? कि भाव वृद्धि ना हो और लोगों की इनकम बढ़े। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति का 10,000 में गुजारा हो रहा है, उसकी पगार भी 10,000 है, लेकिन अब पगार बढ़कर 20,000 हुई, पर गुजारा तो 10,000 में हो रहा है, कोई खर्च ज़्यादा वस्तुओं के भाव नहीं बढ़े हैं, तो उसके पास 10,000 की बचत हुई, तो ये क्या कहा जाता है? वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र तो आपको मालूम ही है, प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय बटे कुल जनसंख्या। मानव जीवन की भौतिक गुणवत्ता में किस पर आधारित है? तो वस्तु और सेवाओं के उपभोग के मापदंडों पर आधारित है। पब्लिक कितनी वस्तुओं का उपयोग करता है, कितनी सेवाओं का उपयोग करता है, उसके मापदंड पर आधारित है। PQLI मानव विकास अंक, तो वो क्या है? तो उसमें तीन परिमाण है, एक शिक्षा का प्रमाण प्लस अपेक्षित।